सभी लोगों का स्वागत है सर जी क्लासेस में। तो जैसा कि मैं आपका यहाँ पे RRBJEE CBT 2 के लिए कंप्यूटर की क्लासेस चला रहा था, तो और उसमें से हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया था। आज हम लोग देखेंगे अगला जो चैप्टर आपका है या नेक्स्ट जो टॉपिक आपका रहेगा, इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में रहेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग शेयर करते रहिए हमारे वीडियोज़ को, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो वो कृपया कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ इस तरीके का तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज जो देखना है हमको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती क्यों है और आखिर इनका यूज़ क्या है। तो कंप्यूटर, जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है, तो जो बहुत सारा वर्सटाइल यानी कि बहुत सारे वर्क एक साथ कर सकता है, तो उसके लिए यानी कि जितने भी डेटा प्रोसेस उसमें होता है, तो उसके लिए जैसे आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो उसके लिए आपको इनपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती होगी। और जो भी डेटा प्रोसेसिंग हुआ कंप्यूटर के अंदर में, अब उसको शो करना है यानी कि उसका आउटपुट देना है, तो उसके लिए उसको आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत होती है। तो यही सारे चीज़ हमको पढ़ेंगे, यानी कि यही सारे चीज़ हमको पढ़ना है इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो इनपुट डिवाइस आपका क्या हो गया कि ये इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, ये सेंड्स इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेसिंग करने के लिए ये डेटा देते हैं। और जो आपका आउटपुट डिवाइस है वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं या डिस्प्ले करते हैं रिजल्ट का, जो भी प्रोसेसिंग हुआ है आपका डेटा का। तो इनपुट डिवाइस आपका ये क्या करेंगे, सिर्फ जो आपका इनपुट डेटा है उसको कंप्यूटर को देंगे, और जो आपका आउटपुट डिवाइस है वो क्या करेंगे, रिसीव करेंगे आउटपुट डेटा का या फिर कोई अनदर डिवाइस से। तो ये जो आपका, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, आपका जैसे ये इनपुट डिवाइस होते हैं, हम लोग कीबोर्ड का हेल्प के मदद लेके हम लोग फीडिंग करते हैं डेटा का कंप्यूटर में, और उसके बाद जो भी यहाँ पे प्रोसेसिंग हुआ डेटा का अब उसको शो करना है, तो हम लोग यहाँ पे शो करते हैं आउटपुट डिवाइस की मदद से। तो ये जो जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, या फिर इनको IO डिवाइस भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो ये जनरली कंप्यूटर से एक्सटर्नली अटैच्ड होते हैं। तो एक्सटर्नली अटैच्ड होते हैं ये, यानी कि ये वायर के थ्रू कंप्यूटर से अटैच्ड होते हैं, और इनको बोला जाता है पेरिफेरल डिवाइस। तो ये आप लोग पॉइंट नोट कीजिएगा कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है इनको क्या बोला जाता है, पेरिफेरल डिवाइस बोला जाता है। तो अब यहाँ पे जो आपका पहला कैटेगरी है इनपुट डिवाइस हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने आपको इसका जो डेफिनेशन बताया था कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, कि ये जैसे कि डेटा को यदि हमको कंप्यूटर में फीड करना है तो वो आपका हो जाएगा इनपुट डिवाइस। तो ये एग्जाम्पल आपके कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो सबसे जो मेन आपका जो इनपुट डिवाइस है वो आपका हो गया कीबोर्ड, और दूसरा आपका हो गया माउस हो गया। इसके अलावा और भी जो होते हैं तो वो सारा लिस्ट आपका दिया हुआ है, तो आपका यहाँ पे जितना भी लिस्ट दिया हुआ है ये सब आप लोग याद कर लीजिए। ये मतलब कि अभी तक जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल इनपुट डिवाइस होते हैं तो वो सारा आपका है यहाँ पे। तो जैसे आपका पहला है ऑडियो कन्वर्जन डिवाइस हो गया, यानी कि ऐसे डिवाइस जो ऑडियो को कन्वर्ट करते हैं, जो फीडिंग किया जाता है कंप्यूटर में, या फिर कोई डिवाइस हो गया जो आपका ऑडियो को कन्वर्ट करेगा, तो वो हो जाएंगे ऑडियो कन्वर्जन डिवाइस। दूसरा आपका हो गया बारकोड रीडर हो गया। ये सब जो भी मेन मेन इनपुट डिवाइस है वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले आप लोग एग्जांपल देख लीजिए। उसके बाद आपका हो गया बायोमेट्रिक्स हो गया, जो आपका फिंगरप्रिंट या स्कैनर जो होता है वो हो गया आपका बायोमेट्रिक्स हो गया। इसके अलावा बिजनेस कार्ड रीडर हो गया, यानी कि जो आप ATM से आप जो भी स्वाइपिंग करते हैं तो वो हो गया बिजनेस कार्ड रीडर। उसके अलावा आपका है डिजिटल कैमरा और डिजिटल कैमकॉर्डर हो गया। उसके बाद फिर देखिए फिंगर भी हो गया आपका, जो आपका टच स्क्रीन की तरह काम करता है। उसके बाद जॉय स्टिक हो गया, पैडल हो गया, स्टीयरिंग व्हील हो गया। उसके बाद आपका ग्राफिक टैबलेट हो गया, तो ग्राफिक टैबलेट की मदद से जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो भी लिखते हैं तो वो इनपुटिंग मतलब कि वो एक लिखने का एक स्लेट टाइप का होता है, जो हम लोग इनपुट उसके अंदर में डाल दिया लिखते हैं तो वो आपका एक इनपुट की तरह ही काम करता है। उसके बाद आपका कीबोर्ड तो है ही, फिर लाइट पेन हो गया, मेडिकल इमेजिंग डिवाइसेस हो गया, जैसे आपका एक्सरे मशीन हो गया यानी कि जो एक्सरे करता है, उसके बाद कैट स्कैनर हो गया, या फिर जो अल्ट्रासाउंड इमेज जो लेता है, तो वो सब मेडिकल इमेजिंग डिवाइस हो गए ये। इसके अलावा आपका माइक्रोफोन हो गया, तो माइक्रोफोन जैसे कि आपका ये मोबाइल में इनबिल्ट हुआ रहता है, जो आपका जो ऑडियो रहता है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में। उसके बाद आपका हो गया MICR, यानी कि मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या होते हैं ये हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। इसके अलावा आपका टच पैड हो गया या अदर पॉइंटिंग डिवाइस हो गए, फिर आपका OMR हो गया, स्कैनर हो गया, सेंसर हो गया, टच स्क्रीन हो गया,
और वीडियो कैप्चर डिवाइस हो गया, और एक आपका है वेब कैम हो गया। तो ये सारे आपके मैक्सिमम पॉसिबल जितने भी इनपुट डिवाइस है इसका लिस्ट दिया हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे कुछ कुछ जो आपका मेन इनपुट डिवाइस है वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी आपके आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहला आपका है जो मेन इनपुट डिवाइस आपका है वो आपका है कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड के अंदर में कौन कौन से इसके अंदर में कीज होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो यदि हम बात करें कीबोर्ड का, तो ये आपका जैसे कीबोर्ड का आपका दिया हुआ है डायग्राम, तो इसके अंदर में बहुत सारे की होते हैं। तो जैसे आपका पहला आपका है अल्फा न्यूमेरिक की, यानी कि अल्फ़ाबेट बीच में होते हैं और नंबर वाले कीज भी होते हैं इसके अंदर में। तो अल्फा न्यूमेरिक की, अल्फ़ाबेट की आपका ए से जेड तक हो गया, और न्यूमेरिक की ये आपके रहते हैं 0 से लेकर 9 तक रहते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर में रहते हैं फंक्शन की। फंक्शन की आपका जैसे कि ऊपर में आपको उधर दिख रहा होगा, यहाँ पे जैसे फंक्शन की आपका F1 से लेके F12 तक ये फंक्शन की होते हैं। इसके अलावा इसमें आपका रहेगा कर्जर कंट्रोल की, यानी कि ये वाला आपका हो गया कर्जर, यानी कि कंट्रोल की हो गया, या फिर इसको डायरेक्शन की भी बोलते हैं हम लोग। और साथ में इसके अंदर में रहते हैं नेविगेशन की। तो नेविगेशन की हम लोग जैसे कि इसको सिंपल वर्ड में यदि बोला जाए, नेविगेशन का मतलब होता है कि जैसे एक जगह से दूसरे जगह हम लोग मूव करना, तो नेविगेशन की भी इसके अंदर में होता है। तो वो आपका कौन कौन सा होगा, जैसे कि आपका होम की हो गया। तो होम की का यूज़ जब आप लोग यूज़ कीजिएगा होम की, तो जैसे कि ये आप कोई भी अपने डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है तो आपको बिगनिंग में वापस फिर से जाना है, तो आप लोग होम की प्रेस कीजिएगा तो आपको होम मतलब कि बिगनिंग पेज पे आपको ले जाएगा। तो होम की का यूज़ यहाँ पे किया जाता है, जब भी आपको बिगनिंग ऑफ द लाइन या बिगनिंग ऑफ द पेज पे जाना है आपको, तो आप लोग होम की प्रेस करके जा सकते हैं। फिर उसके बाद आपका है इंड की है। तो इंड की मदद से आप लोग, यानी कि जो कर्जर है उसका जो पॉइंट होगा वो कहाँ चला जाएगा, इंड ऑफ द लाइन पे चला जाएगा। और उसके बाद आपका जैसे कि पेज अप है और पेज डाउन है। तो पेज अप और पेज डाउन का नाम से ही पता है कि ये मतलब कि एक पेज आपका नीचे मूव कर देगा आपको, और पेज अप का आपको एक पेज ऊपर ले जाएगा, और जो आपका यहाँ पे पेज डाउन है तो ये आपको एक पेज नीचे की तरफ मूव कर जाएगा इससे। तो ये सारे आपके जो फंक्शन, यानी कि जितने भी कीज़ है जो आपके कीबोर्ड में होते हैं वो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब इसके अलावा देखिए इसमें जो फंक्शन की होते हैं कीबोर्ड में, तो ये आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जैसे आपका F1 से लेके F12, तो आपका इसमें बहुत सारे फंक्शन की होते हैं, और सब का और कौन सा की का कौन सा फंक्शन होता है ये आपको याद रखना है। तो जैसे आपका यहाँ पे F1 दिया हुआ है, तो F1 का यूज हम लोग करते हैं कि जैसे आपको हेल्प चाहिए, यानी कि आप स्क्रीन के ऊपर आप जैसे F1 प्रेस कीजिएगा तो वहाँ पे आपको हेल्प बटन खुल जाएगा। तो यानी कि आपको हेल्प बटन ओपन करना है तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा F1 की। और जो आपका F2 की है, F2 की से यदि आपको किसी फाइल या फोल्डर को रिनेम करना है तो आप लोग F2 की प्रेस कीजिए। उसके बाद जो आपका F3 है, तो F3 से हम लोग सर्च कर सकते हैं कोई भी टूल को, यानी कि आप जैसे ही F3 की प्रेस कीजिएगा तो ये आपका सर्च जो टूल बॉक्स जो रहता है वो आपका ओपन हो जाएगा। और जो आपका F4 की है, F4 की ये इसका कोई जैसे कि सिंगल में यूज़ नहीं होता है, इससे हम लोग कम्बिनेशन में इसका यूज़ करते हैं। जैसे आपका Alt+F4 है, तो Alt+F4 से या तो कोई भी करंट विंडो जो आपका ओपन हुआ है उसको क्लोज करने का काम करता है, और या तो फिर ये सिस्टम को क्लोज करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद आपका F5 है। F5 का यूज़ किया जाता है रिफ्रेश के लिए, यानी कि जो भी कंटेंट है विंडो के ऊपर में या फिर कोई वेब पेज है तो वहाँ पे यानी आपको रिफ्रेश करना है, तो F5 को प्रेस किया जाता है। फिर F6 से हम लोग F6 से ये क्या करता है, आपका कर्जर को मूव करता है F6। उसके अलावा जो आपका F7 है, तो F7 से आपको यदि आपको स्पेल चेक या ग्रामर चेक करना है तो F7 की मदद से हम लोग स्पेल चेक या ग्रामर चेक करते हैं। और जो आपका F10 है, F10 से हम लोग जैसे कि आपको मेनू बार को एक्टिवेट करना है तो हम लोग F10 का प्रेस करते हैं। और यदि किसी फाइल को आपको सेव करना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग F12 का यूज़ करते हैं। तो ये तो हैं आपके सारे जितने भी जो आपका फंक्शन की का जो यूजेज है, जो मेन मेन आपका यहाँ पे जो फंक्शन की का यूजेज है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे और सारे इनपुट डिवाइस के बारे में। तो देखिए इनपुट डिवाइस बहुत वैरायटी और टाइप्स के होते हैं। तो पहला वैरायटी इसमें आपका है पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में है। तो देखिए ये पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए इनको बोला जाता है क्योंकि इनके मदद से हम स्क्रीन पे कोई भी लोकेशन को पॉइंट कर सकते हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस आपके कौन कौन से हैं वो आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, याद कर लीजिएगा। जैसे आपका माउस हो गया,
ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया और टच स्क्रीन हो गया, तो इनको बोला जाता है पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है, क्योंकि इनका इनकी मदद से हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पे पॉइंट करते हुए कोई भी लोकेशन पे हम जा सकते हैं। तो ये आपके हो गए पॉइंटिंग डिवाइस। तो इसमें आपका जैसे कि पहला आपका है माउस हो गया, तो माउस जैसे कि आपने देखा होगा माउस में तीन जैसे कि इसमें आपका एक वायर से अटैच हुआ रहता है, तो माउस आपका वायर यानी कि वायरलेस भी आता है और एक आपका वायर्ड वाला भी आता है जिसमें एक तार भी रहता है और एक विदाउट वायर भी होते हैं। और इसमें जो फंक्शनिंग इसका होता है, तो जैसे डबल क्लिक राइट क्लिक और कुछ करने से क्या क्या होता है, तो उतना हमको डेप्थ में नहीं जाना है, बस आपको याद रखना है कि माउस क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, और इसको बोलते हैं हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस बोलते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी चीज़ को पकड़ के और कहीं पे भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, तो माउस की मदद से आप जैसे कि किसी फाइल को यदि आप कहीं पे उसको पकड़ के आप दूसरे जगह पर आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, तो इसीलिए माउस को बोलाता है ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। और पॉइंटिंग डिवाइस के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, तो ये आपका लिस्ट यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। इसके अलावा जो आपका दूसरा पॉइंटिंग डिवाइस है वो आपका कौन सा है, ट्रैक बॉल है। तो देखिए जो ट्रैक बॉल है ये भी आपका एक अदर टाइप का पॉइंटिंग डिवाइस है, और ये माउस का एक अल्टरनेटिव डिवाइस हो गया। तो जैसे कि ये आपका लैपटॉप के अंदर में अटैच हुआ रहता है, तो वहाँ पे जैसे स्पेस नहीं दिया रहता है माउस के लिए अलग से, तो वो अटैच रहता है उसके अंदर में ही। और सिंस इसका काम माउस के ही कंपैरिजन में सिमिलर ही है, इसका कोई अलग से ज़्यादा कोई मतलब कि यूज़ नहीं है। उसके अलावा जो आपका तीसरा पॉइंटिंग डिवाइस है वो आपका है जॉयस्टिक है। तो देखिए जो आपका जॉयस्टिक है ये जनरली गेम जैसे कि खेलने के लिए इसका जनरली यूज़ किया जाता है, और या फिर इसको जैसे कि कैड सिमुलेटर में या फिर कैम सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये आपका माउस के जैसा ही सिमिलर है, बट इसका डिफरेंस एक ही है माउस के कंपैरिजन में, कि जैसे आप माउस को यदि आप छोड़ देते हैं यानी कि आप उसका यूज़ करना आप छोड़ देते हैं, तो जो कर्जर का जो मूवमेंट रहता है वो स्टॉप हो जाता है। बट इसमें क्या है जो जॉयस्टिक है कि यदि आप इसको आप छोड़ देते हैं, तो उसके बाद आप ये जो पॉइंटर होता है, तो जिस डायरेक्शन में आपने पहले पॉइंट करके छोड़ा था तो वो मूव करता ही रहता है, यानी कि ये स्टॉप नहीं होता है। तो ये दोनों में बस अंतर यही है जो आपका माउस है और जॉयस्टिक में है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अदर इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे आपका जैसे कि बारकोड रीडर है, तो बारकोड रीडर में देखिए इसके अंदर में ये क्या करता है यहाँ पे, कि जैसे ये आप बारकोड रीडर आपने शॉप्स में देखा होगा, तो ये जैसे कि बारकोड जैसे कि प्रोडक्ट आपका रहता है यानी कि प्रोडक्ट में ये सब बारकोड लगे हुए रहते हैं, तो उसको क्या करता है ये स्कैन करता है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट जितने भी प्रोडक्ट होते हैं तो उसके एक यूनिवर्सल कोड होते हैं, तो वो उसको स्कैन करता है और रीड करता है यानी कि क्या उसका प्राइस है या फिर क्या कौन सा क्वांटिटी है प्राइस उसका क्या है, तो ये बारकोड में सब कुछ इनबिल्ट रहा हुआ यानी कि बारकोड में सब लिखा हुआ रहता है। तो ये जनरली करते क्या है कि ये बीम ऑफ लाइट वहाँ से रिलीज करते हैं ये बारकोड को रीड करने के लिए। तो ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस का टाइप हो गया। और उसके बाद जो दूसरा आपका इनपुट डिवाइस है वो आपका है OMR हो गया, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया। तो ये जनरली हम लोग यूज़ करते हैं जबकि जैसे कि कोई भी रिस्पॉन्स होता है, यानी कि आपने जैसे एग्ज़ाम दिया होगा, तो एग्ज़ाम अब जब आप देते हैं पहले OMR सीट आप कराता है, तो उसमें आप लोग फिलिंग करते हैं वहाँ पे, तो उसको रीड करने के लिए OMR का यूज़ किया जाता है। तो जनरली ये भी क्या करता है कि ये एक इलेक्ट्रिक सिग्नल यानी कि ये अपने से लाइट यानी कि लाइट एनर्जी जो यहाँ से बीम ऑफ लाइट निकलता है ऊपर से, और वो मार्क ऑफ रिस्पॉन्स जहाँ पे रहता है तो उसको वो रीड करते हैं, और यदि कहीं पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है तो उसको वो नहीं पढ़ता है, यानी कि जहाँ भी मार्किंग किया रहेगा तो वो उसको रीड करेगा, अदरवाइज वो रीड नहीं करेगा। तो ये हो गया OMR का यूज हो गया। तो ये भी आपका एक टाइप का इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा एक और हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये आपका है MICR है, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इसका जनरली यूज़ किया जाता है बैंकिंग सिस्टम में यूज़ किया जाता है, जैसे कि चेक को प्रोसेसिंग करने के लिए MICR का यूज़ किया जाता है। तो जैसे आपको यहाँ पे जैसे कि नीचे में एक कोड यहाँ पे इस टाइप का नंबर रहता है, तो ये जनरली एक MICR कोड रहता है। तो जनरली MICR का यूज़ कहाँ पे किया था, तो बैंक में चेक को प्रोसेसिंग करने के लिए। तो इससे रिलेटेड देखिए एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्जाम में, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका अरबी JEE में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज बाई द बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द चेक।
तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक प्रोसेसिंग करने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस का यूज़ किया जाता है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, MICR हो जाएगा। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप लोग नोट करते चलिएगा। अब हम लोग देखेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो इनपुट डिवाइस हमने देख लिया, अब आउटपुट डिवाइस देख लीजिए। तो आउटपुट डिवाइस आपका ये क्या होते हैं कि जैसे जो भी डेटा का प्रोसेसिंग हुआ कंप्यूटर के अंदर में, आप उसको यानी कि डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए या फिर उसको रिप्रेजेंट करना है या प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए हमको आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत होगी। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, तो वो आपका यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। तो पहला आपका जो मेन जो आपका आउटपुट डिवाइस है वो आपका जैसे कि प्रिंटर हो गया और मॉनिटर हो गया, तो ये तो हो गए। तो प्रिंटर में जैसे कि और भी एग्जाम्पल है उसका हम लोग देखेंगे। तो दूसरा आपका हो गया प्रोजेक्टर हो गया, साउंड कार्ड हो गया आपका, स्पीकर्स हो गए, उसके अलावा आपका स्पीच जनरेटिंग डिवाइस हो गया, टीवी हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, 3D प्रिंटर हो गया, और उसके बाद ब्रेली रीडर हो गया। तो ये जनरली जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनके लिए रीड करने में यूज़फुल होता है ये। फिर फ्लैट पैनल हो गया, GPS हो गया, हेडफोन हो गया, मॉनिटर हो गया और प्लॉटर हो गया। तो ये सारे हो गए आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल। तो ये एक ही जगह पे मैंने आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो कुछ कुछ जो आपके इम्पोर्टेंट जो आउटपुट डिवाइस है उसके बारे में। तो सबसे पहला आपका है मॉनिटर। तो जो सबसे ज़्यादा जो आपका मेन जो आउटपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले करता है आपका जो आउटपुट जो भी प्रोसेसिंग होता है कंप्यूटर के अंदर में, तो वो आपका है मॉनिटर। तो मॉनिटर जनरली सबसे पहले जो मॉनिटर यूज़ किया गया था तो वो आपका था CRT, यानी कि इसको फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब हो गया। और बट आजकल जो यूज़ किया जाता है जो मॉनिटर आजकल जो आता है, तो वो होता है या जनरली या तो LED यूज़ किया जाता है और या तो LCD यूज़ किया जाता है। तो अर्लियर में कौन सा मॉनिटर यूज़ किया था, तो वो आपका हो जाएगा CRT हो जाएगा। तो ये आप लोग पॉइंट को नोट करते चलिएगा। अब उसके बाद जो आपका दूसरा जो इम्पोर्टेंट है आपका आउटपुट डिवाइस वो आपका है प्रिंटर है। तो इससे जनरली क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। तो प्रिंटर आपका जनरली ये क्या होता है कि ये एक एक्सटर्नल हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस होते हैं जो आपका क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो भी कंप्यूटर के अंदर में स्टोर्ड है तो उसको वो जनरेट करते हैं या उसका एक हार्ड कॉपी जनरेट करते हैं। तो प्रिंटर आपका जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं या तो टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए और या तो फोटोज़ को प्रिंट करने के लिए। और जो आपका प्रिंटर है तो प्रिंटर का स्पीड हम लोग जो मेजर करते हैं तो वो इसका 3 यूनिट होता है। तो ये तीनों यूनिट आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिएगा। एक यूनिट होता है इसका CPS होता है, यानी कि कैरेक्टर पर सेकेंड, और एक जो दूसरा यूनिट है इसका है लाइंस पर मिनट है इसका, यानी कि LPM हो गया, और तीसरा इसका है पेजेस पर मिनट यानी कि PPM हो गया। तो यानी कि यदि 1 सेकेंड में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है तो वो इसका यूनिट हो जाएगा CPS, और यदि यहाँ पे एक पेज 1 मिनट में प्रिंट करता है तो वो इसका यूनिट हो जाएगा इसका वो वाला इसका हो जाएगा आपका वो लाइन, यानी कि एक लाइन प्रिंट करता है तो आपका LPM हो जाएगा, और यदि एक पेज को 1 मिनट में प्रिंट करता है तो वो इसका हो जाएगा PPM हो जाएगा। तो ये सारे इसका 3 यूनिट हो गए प्रिंटर के, यानी कि जो वो स्पीड जो मेजर जनरली जो किया जाता है प्रिंटर का, और जो प्रिंटर का जो प्रिंटिंग क्वालिटी होता है तो वो यानी कि मेजर किया जाता है वो DPI में किया जाता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या आपका हो गया, डॉट्स पर इंच हो गया। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ जो प्रिंटर है, प्रिंटर को 2 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। एक आपका है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा आपका है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये जो कैटेगरी है ये कैटेगरी बांटा गया है कि किस तरीका से जो प्रिंटर का रिबन होता है और पेपर के साथ किस तरीका से इम्पैक्ट होता है उसका, तो उसी के बेसिस पे ये प्रिंटर को कैटेगराइज किया है। तो एक जो कैटेगरी आपका है इम्पैक्ट प्रिंटर का, यानी कि जो प्रिंटर का जो रिबन होगा वो पेपर के साथ उस पर क्या होगा, उसका इम्पैक्ट होगा, यानी कि दोनों के बीच में इम्पैक्ट होगा, उसके बाद कैरेक्टर का प्रिंट होगा। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं तो ये आपको याद रखना है। तो पहला आपका हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा आपका है डेजी व्हील प्रिंटर, तीसरा आपका है लाइन प्रिंटर, और चौथा आपका है ड्रम प्रिंटर, और पांचवा आपका है चेन या बैंड प्रिंटर हो गया। तो ये आपको पांचों याद रखना है। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है यानी कि इसमें जो यानी कि इसमें जो प्रिंटर है तो प्रिंटर का जो रिबन है तो पेपर के साथ कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इसमें। तो इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, पहला आपका हो गया इंकजेट प्रिंटर, दूसरा आपका है लेजर प्रिंटर, और तीसरा आपका है इसमें थर्मल प्रिंटर। तो यहाँ पे जो मेन मेन
प्रिंटर है उसके हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इसमें जो प्रिंटर का जो रिबन होगा वो पेपर के साथ स्ट्राइक करेगा कैरेक्टर को फॉर्म करने, यानी कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए। तो इसमें जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसका सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल आपका वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी कि जो सबसे पहले जो प्रिंटर का जो यूज़ किया गया था, जो इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है, तो वो आपका पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो ये जनरली आपने देखा भी होगा, जो रेलवे यानी कि जो रेलवे टिकट जहाँ पे बुकिंग होता है, तो वहाँ पे आपने देखा भी होगा ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। में आपका यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ये जो भी प्रिंट करता है, तो रिबन और जो पेपर है, तो पेपर के बीच में स्ट्राइकिंग होता है, और ये जो प्रिंट करेगा आपका डेटा को, तो वो एक डॉटेड फॉर्म के रूप में प्रिंट करता है। तो जनरली ये उतना अच्छा क्वालिटी का प्रिंट नहीं करता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और जो दूसरा कैटेगरी आपका है डेजी व्हील का है, डेजी व्हील प्रिंटर का, तो ये भी आपका जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है, बट ये जो डेजी व्हील है ये डॉट मैट्रिक्स से थोड़ा अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको जैसे कि डॉट मैट्रिक्स में आपको डॉटेड यानी कि वो जैसे प्रिंट होता था, बट इसमें आपको वैसा प्रिंट नहीं होता, इसमें अच्छा रेजुलेशन होता है, इसके अंदर में प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छा होता है एज कम्पेयर टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। और जो आपका थर्ड जो इम्पैक्ट प्रिंटर वो आपका लाइन प्रिंटर है, तो ये क्या करता है कि ये हाई स्पीड प्रिंटर का आपका जैसे कि एक एग्जाम्पल है, और ये एक लाइन को यानी कि इंटायर लाइन को आपका एक ही बार में प्रिंट कर देता है। और इसके कंपेरिजन जो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था, तो ये एक कैरेक्टर को एक बार में प्रिंट करता था, बट जो आपका लाइन प्रिंटर है यानी कि ये पूरे लाइन को एक ही बार में प्रिंट कर देता है। तो ये सब उसके जैसे जैसे एडवांस वर्जन होते गए सारे प्रिंटर का। और जो आपका फोर वाला जो है यानी कि ड्रम प्रिंटर है, तो ये सारे आपको एग्जाम्पल याद रखना है, और किस में और प्रिंटर में जो कंपैरिजन है एक दूसरे से, तो वो भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये सब एग्जाम में आपके पूछे गए हुए हैं। अब जो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो यानी कि पेपर के साथ और जो प्रिंटर का रिबन है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तो ये जनरली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स का और इंकजेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो जिसमें कि पेपर के साथ या रिबन जो होता है या प्रिंटर का, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इसमें जो कैटेगरी आपका है, पहला आपका है इंकजेट प्रिंटर का है, तो और दूसरा आपका है लेजर प्रिंटर। तो देखिए जो आपका इंकजेट प्रिंटर है, तो इंकजेट प्रिंटर में इसके अंदर में जैसे कि आपका यहाँ पे इंक लगा हुआ रहता है इसके अंदर में, और उसके बाद जो पेपर है वहाँ पे वो इमेज क्रिएट होता है। और जो आपका लेजर प्रिंटर है, तो ये इसका इसमें क्या है आपका कि ये हाईएस्ट क्वालिटी आपको प्रिंट करके दे देगा इमेज या टेक्स्ट। यदि आपको अच्छे क्वालिटी का चाहिए तो लेजर प्रिंटर का जनरली यूज़ किया जाता है, और इसमें आपको बहुत ही अलग अलग वैरायटी फॉन्ट्स में या स्टाइल या जो भी साइजेस का प्रिंटिंग चाहिए, तो हम इसकी मदद से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारे इसके डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। और जो आपका अगला प्रिंटर है यानी कि जो नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी का जो एग्जाम्पल है, वो आपका थर्मल प्रिंटर हो गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर हो गया। तो ये सारे आपके प्रिंटर के कैटेगरी के या फिर जो एग्जाम्पल आपका हो गया। अब उसके बाद हम लोग की जैसे देखेंगे कि आपके जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है यहाँ पे, तो इनको कंप्यूटर से इंटरफेस करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए, तो हमको कोई ना कोई पोर्ट्स की ज़रूरत होगी ही होगी। तो वो उनको बोला जाता है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स बोला जाता है, कि यानी कि ये वो पोर्ट कहलाते हैं, यानी कि ऐसा डिवाइस यानी कि ये ऐसा वायर आप कह लीजिए सिंपल लैंग्वेज में, कि जो जनरली इनपुट आउटपुट डिवाइस को इंटरफेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो आपके हो जाएंगे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। तो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कौन कौन से एग्जाम्पल इसके हैं और कौन कौन सा यूज़ किया था, तो वो आपका यहाँ पे है जो दिया गया है। तो पहला आपका है इसमें पैरेलल पोर्ट, दूसरा आपका है सीरियल पोर्ट, और तीसरा आपका है इसमें यूनिवर्सल सीरियल बस या यूएसबी हो गया, और चौथा आपका हो गया इसमें फायर वायर हो गया। तो जो आपका पैरेलल पोर्ट है, तो सपोज कीजिए कि ये यदि कि 8 बिट डेटा को यदि आपको सेंड करना है एक साथ में, तो वो आप पैरेलल पोर्ट का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। और यदि आपको 1 बिट डेटा को यानी कि एक एक बिट करके यदि डेटा को सेंड करना है, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है सीरियल पोर्ट का। और जो आपका यूनिवर्सल सीरियल बस है यानी कि यूएसबी है, जो जनरली आजकल यूएसबी आपने देखा भी होगा, तो वो उन्हीं को बोला जाता है। और जो आपका लास्ट वाला जो फायर वायर है, तो फायर वायर जनरली इसका यूज़ किया जाता है यानी कि मल्टीमीडिया डिवाइस, जैसे आपका वीडियो कैमरा हो गया, तो वीडियो कैमरा को यदि हमको ऑडियो या वीडियो डिवाइस के साथ कनेक्ट करना होता है, तो उसका उसमें हम लोग यूज़ करते हैं फायर वायर का। तो ये तो थे आपके सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में, और जितने भी एग्जाम्पल इसके थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इसके बाद
एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, वो आप लोग इसका आंसर करके बताइएगा, और देखते हैं कि कौन कमेंट करके इसका आंसर बताता है। तो देखिए क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूँ, यहाँ पे आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज बोथ इनपुट एज वेल एज द आउटपुट डिवाइस। यानी कि इनमें से जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यानी कि दोनों को इनपुट आउटपुट डिवाइस को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो वो आपको बताना है, जैसे पहला आपका माउस हो गया, दूसरा प्रिंटर हो गया, तीसरा मेमोरी हो गया, और चौथा आपका प्लॉटर हो गया। तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए वीडियो को। तब तक के लिए थैंक यू।